ओह अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से होंगे। तो मैं यहाँ ड्रैगन मार पहुँच गया था। यहाँ पे ना ये करीम साइकिल है वरसान का स्टेशन है। ये देखिए, ये ड्रैगन मार्ट वरसान का करीम स्टेशन है। और ये जहाज़ भी ऊपर से जा रहा है, ये पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। तो ये सारा, ये देखिए, ये सारा होटल है, ये सारा ड्रैगन मार्ट का एरिया है, सारा ये प्रीमियम है। ये ड्रैगन मार्ट का फर्नीचर शॉप है, वो देखिए ड्रैगन मार्ट लिखा हुआ ना, वो शक्लें बनी हुई। यहाँ ड्रैगन मार्ट 1 है, इसकी बैक साइड पर वो ड्रैगन मार्ट 2 है। ये ड्रैगन मार्ट 1 है ये पूरा, और उस तरफ ड्रैगन मार्ट 2 है। तो मैं ये साइकिल बस चला के आपको दिखाऊंगा। तो मैं साइकिल जो है वो इधर इधर लगा दूंगा, ये ना इस गियर में लगा दूंगा मैं इधर, तो इधर लग के मैं चलाऊंगा ये सारी साइकिल ना। तो अभी देखिए सुबह का टाइम है, सूरज अभी निकला नहीं है। उस तरफ से सूरज निकलेगा, उस तरफ से सूरज निकलेगा, अभी तक निकला नहीं है। तो वो प्लेन वो ऊपर से जा रहा, तो आई थिंक साइकिल चलाएँगे उतनी देर में खुल जाएगा। तो चलें फिर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से राइड। असल में मैं जा रहा हूँ मुशरिफ पार्क ना, मुशरिफ पार्क जाके आपको यहाँ से दिखाऊंगा ट्रैक मुशरिफ पार्क का। तो ये साइकिल है, मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो चलें मैं ओपन करके फिर आपको। तो ये आप देख रहे हैं ये साइकिल है, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ साइकिल को। तो ये ऐप के थ्रू स्टार्ट होती है। तो ये देखिए मैं ऐप करूँ, ये अभी देखिए बिल्कुल वेट हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सीट जो है बिल्कुल वेट हुई है, ये पानी पानी है, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, स्टीम बहुत ज़्यादा है, तो ये सारा वेट हो गया है। इसको क्लीन करा है मैंने अब मैं, लेकिन मेरे कपड़ों से ही साफ़ होगा ये, असल ऐसे तो साफ़ नहीं होगा। तो अभी मैं फिर करीम का ऐप खोलता हूँ, बाइक का करीम बाइक, तो ये ऐप है, इसको स्कैन करना पड़ता है असल में। थोड़ा सा सेटिंग कर देता हूँ, तो कह रहा है वायरलेस डेटा को अनेबल करो। उसमें डेटा भी असल में आपको चाहिए होता है कनेक्ट करने के लिए, तो ये वायरलेस से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये स्कैन में गए, और ये मैंने ब्लूटूथ भी चाहिए होता है इसको करने के लिए, तो ये मैंने स्कैन किया फिर, और ये आगे लिखा हुआ कि अनलॉक हो गई आपकी साइकिल। तो मैंने साइकिल को पीछे खींच लिया, तो ये आपकी साइकिल अनलॉक हो गई है। तो बस ये यही है, मैं आपको साइकिल पे चला के सब चीज़ें दिखाता हूँ। मैं बैठ गया हूँ साइकिल पे, तो ये देखें, ये है आपका ड्रैगन मार्ट का ब्रिज जो है ना, आपको अगली तरफ लेके जाता है ये, फ्रॉम ड्रैगन मार्ट टू, वो वर्का का एरिया, वो सारा जो है ना उस साइड पे वर्का का एरिया, वहाँ लेके जाता है। सूरज तो निकल गया, देखें वहाँ नहीं निकला हुआ था, अभी निकल गया सूरज, तो वो वर्का के एरिया में वहाँ लेके जाता है। ये ब्रिज है जो कनेक्ट करता है ना, ये प्रीमियम होटल है। तो ये सारे परिंदे बैठे हुए, तो अभी बंदा नहीं है, सुबह का टाइम है, बंदे नहीं है। ये हाईवे हत्ता हाईवे कहलाता है, ये इधर जो रोड है ये हत्ता हाईवे है। मैं आपको ऊपर से जाके ना वहाँ से दिखाता हूँ ये सारा रोड आपको। तो इस तरीके से है ये सारी प्रोग्रेस। तो बाकी साइकिल में ना एनर्जी थोड़ी कम थी, तो मैं चार्ज भी करनी पड़ती है इसको ना। देखिए ये सारा हाईवे, देखिए ये सामने सन निकला हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हाईवे बीच में जाके आपको, ये बीच का हाईवे है ये। तो देखिए ये हाईवे, देखिए ये जो है ना, ये इस साइड पे आप देख रहे हैं ना जो, वो ये है बुर्ज खलीफा की तरफ लेके जाता है। अभी फॉग आपको नज़र नहीं आ रहा वहाँ पे, तो ये बुर्ज खलीफा की तरफ ये रोड लेके जाता है, इस तरफ ना बुर्ज खलीफा हो गया दुबई की साइड, और ये जो है ये हत्ता ओमान की साइड लेके जाता है ये जो रोड है। ये देखिए स्पीड मारता जा रहा है गाड़ी वाला, देखिए आप कैसी स्पीड मारी थी। तो ये देखिए आप पर कैप्चर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। तो ये इस तरीके से प्रोग्रेस है सर। और ये ड्रैगन मार्ट 1 है, वो ड्रैगन मार्ट 2 है वहाँ पे ना, ये ड्रैगन मार्ट 1 है वो 2 है। तो इस तरीके से है सारा। मैं एक बार वीडियो भी चेक कर लेता हूँ, सही आ रही है नहीं आ रही, फुटेज तो नहीं आ रही है अभी, चलें। तो ये इस तरीके से प्रोग्रेस आ रही है ना यहाँ पे ना, ये ड्रैगन, ये ब्रिज है यहाँ से साइकिलिंग, ये वॉकिंग के लिए बनाया हुआ उन्होंने, वहाँ लिखा हुआ है ये ब्रिज जो है ये साइकिलिंग का है और वो जो वॉकिंग का है। तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड करके बनाया हुआ है, तो बड़ा अच्छा ये है। आप मतलब अगर आप इन केस आप ज़्यादा वॉक नहीं करना चाहते, साइकिलिंग पे करना चाहते हैं, तो ये आप साइकिलिंग पे यहाँ पे आप कर सकते हैं यहाँ पे ट्रैवल। और मैं ब्रिज से भी उतर जाऊँगा वहाँ पे, तो ये ब्रिज का ऊपर है, ये बताया मैंने हत्ता ओमान है, ये दुबई का एरिया है।
और ये ड्रैगन मार्ट बंद है, वो टू है और प्रीमियम होटल है। एक दफ़ा आए थे हमारे रिश्तेदार, वो भी यहाँ रुके थे इस होटल में। तो मैंने आपको दिखाया, अब यहाँ से मैं ब्रिज से मैं नीचे उतर रहा हूँ। ये ब्रिज है नीचे, ये हमें वर्का से लेता हुआ मुशरिक पार्क में ले जाएगा, इस साइड से ना लेता हुआ मुशरिक पार्क में ले जाएगा। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अभी देखें फॉग भी है, मॉर्निंग का टाइम है, सूरज अभी निकल रहा है, ऊपर पूरा निकला नहीं है तो वो भी अभी निकल रहा है। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, ट्रैफिक भी अभी थोड़ा कम है, साइकिलिंग ट्रैक पे तो कोई नहीं आया हुआ अभी। तो बस इसी तरीके से हम आपको ये जगहें मैं आपको दिखा दूँगा। ये प्रॉपर साइकिलिंग ट्रैक आ गया जो आपको सीधा वहाँ पे लेके चला जाएगा। यहाँ ये वर्का का एरिया सारा, और ये ड्रैगन मार्ट के साथ आप चलते हुए जा रहे हैं सारा ये, और ये हाईवे है साथ में। तो ये सीधा रोड है, सीधा आगे जाके लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा। तो लेफ़्ट साइड से ये होता हुआ आपका मुशरिक पार्क की तरफ जाएगा। तो मैं वहाँ तक आपको बीच बीच में क्लिप दिखाता रहूँगा। तो इस तरीके से ये ड्रैगन मार्ट टू है, वो पहले था वो वन था, ये ड्रैगन मार्ट टू है इधर राइट साइड पर। तो बस इस तरीके से है ये ट्रैक है। अच्छा, इसके आगे जाएंगे इसी रोड पे आगे सीधा जाएंगे तो दुबई सफारी है, जो चिड़ियाघर है यहाँ का, जू कहलाता है, वो भी यहाँ पे बना हुआ है। तो वो भी है, तो इस तरीके से है। तो चलें एनीवे, मैं अब आपको ना आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके वो मैं आपको क्लिप जो है वो मैं दिखाता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं यहाँ के अंदर, तो किस तरीके से ये वो करती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें अट्रैक्शन है जो यहाँ का, तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाता रहूँगा। ये सूरज है आपने देख लिया, तो ये अभी हमें वर्का में इंटर हो जाएंगे, ये साइड सारी लेफ्ट साइड पे वर्का में इंटर हो जाएंगे हम। ठीक है, चलें फिर मैं आपको बता दूँ। ये हम वर्का में इंटर हो गए, सीधा सीधा जो रोड आ रहा था तो अभी हम वर्का में इंटर हो गए। तो ये क्रॉसिंग है, पेडिस्टल क्रॉसिंग कर रहे हैं हम यहाँ से। ये सेकंड ट्रैक्स की इंस्ट्रक्शन डाली हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स को लिए। तो ये वर्का में दाखिल होगा, ये वर्का के विलाएँ थे, डस्टबिन रखे हुए इन्होंने साइड पे, इसको कचरा वचरा फेंकना है तो उसके अंदर डाल दें। देखें आप क्लीनेस देखें, ये देखें, ये एक मतलब एक रिमोट एरिया, मतलब इतना पब्लिक सिटी एरिया नहीं है, लेकिन क्लीन देखें। अच्छा, क्रिकेट खेलना है, ये देखें आपको दिख रहा हूँ, ये क्रिकेट खेलना है लोग, ये देखें ये क्रिकेट खेलना है, सारे यहाँ पर क्रिकेट खेलने आते हैं। तो ये क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे, आगे भी साइकिलिंग पे लोग आ रहे हैं क्योंकि साइकिलिंग ट्रैक है बेसिकली, तो साइकिलिंग वाले होंगे। ये प्रॉपर ग्राउंड नहीं है लेकिन ये लोग प्री प्लान खेल रहे होते हैं, तो सही है नहीं है। तो इस तरीके से ये साइकिलिंग स्कूटी में आ रहे हैं, तो मस्त हो गया एकदम। तो बस ये है सारा, चले मैं आगे आके फिर और आपको दिखाता हूँ। देखें चार्जिंग जो है ना, ये देखें ये देखें रेड हो गई है, तो इसकी वजह से ना मुझे साइकिल चेंज करनी पड़ेगी। ये सामने एक और स्टेशन आ रहा है, वो वरसान का था, और ये जो मुझे लग रहा है ये वर्का का होगा, तो इसमें मैं साइकिल ना चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मसला ये है चार्जिंग ख़त्म हो गई तो फिर वो ना आपको साइकिल मज़ा नहीं देती सही। तो मैं यहाँ पर ज़रा अपनी साइकिल चेंज करता हूँ, उसके बाद एक फुल्ली चार्ज साइकिल आ गई, पता नहीं कौन सा साइकिल बाहर भूल के चला गया, निकाल के बाहर भूल के चला गया साइकिल, पता नहीं ख़राब होगी क्या, लॉक ख़राब होगा। ओहो ये, अच्छा ये तो ख़राब है, तो बेसिकली ये भी ख़राब है, पोजीशन तो टाइट हो गई है यहाँ पे। तो एनीवे हम लोगों को दूसरा ढूंढना पड़ेगा, वो जो है आपका मुशरिक पार्क में है दूसरा वाला जो है ना। तो थोड़ा साइकिल तेज़ चलानी पड़ेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वहाँ पहुँच के आप चेंज कर सकते हैं, उससे पहले चेंज नहीं कर सकते, तो बंदा बाइक में भगा था आ रहा है। कैसी बाइक चला रहे हैं ये, अनलाइसेंस बाइक है ये, यहाँ के लड़के लोग हैं चलाते, तो मस्त होकर जा रहे हैं एकदम।
ठीक है चले मैं आगे फिर और ज़रा चल के ना फिर मैं आपको बनाता हूँ। अब साइकिल का जो स्टेशन है ना वो मुशरिक पार्क में आएगा नेक्स्ट वाला, ये वाला तो नहीं चल रहा काम, मतलब ख़राब वराब लग रहा है मुझे और साइकिलें भी फुल की हुई हैं कि चेंज ना कर सके, अजीब गेम खेला हुआ इन्होंने। चलें ठीक है मैं वहाँ चेंज करके आपको बताता हूँ। पक्का का एरिया देखें, ये सारे घर बने हुए, ट्रैक बनाया हुआ सेकेंड ट्रैक, तो सम हाउसेस अंडर कंस्ट्रक्शन और सम कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसे ये सारा वर्का का एरिया, ये बेसिकली यहाँ के यूई के लोकल्स यहाँ पे ज़्यादा मोस्टली रहते हैं, आउटसाइडर आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि अलाउ है कि नहीं है, लेकिन मोस्टली यहाँ के लोकल लोग रह रहे हो। तो लेट्स सी, देखें जहाज़ जा रहा सामने से, बड़ा सा जहाज़ जा रहा है, तो कोई आ रहा होगा कोई जा रहा होगा, वो सामने देखें पूरा कि एयरपोर्ट इस साइड पे, टर्मिनल 1, 2, 3 सारा इस साइड पे। तो ये देख कचरे के डिब्बा लगाया हुआ उन्होंने, ये सूरज आपका राइट साइड पे है, तो इस तरीके से है प्रोसेस। तो लेट्स सी, अच्छा ये जगह आ गई जहाँ से मैंने वैक्सीन लगाई थी, ये वो जगह थी जहाँ से फाइज़र वैक्सीन लगाई थी कोरोना के टाइम पे, मैंने थर्ड शॉट यहाँ पे लगाया था वैक्सीन का, दो वर्षा में लगाए थे, थर्ड वाला यहाँ पे लगाया था इस जगह पर, तो ये मुझे याद है, मैं आता जाता रहता हूँ रेगुलर यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इधर लगाया था मुझे थर्ड शॉट, मेरे को अभी तक याद है, अब मेरी वाइफ ने भी इधर लगाया था, और फिर मैं नयान को लेके ना, तो मेरी वाइफ लाइन में लगी हुई थी, तो मैं नयान को लेके यहाँ से उस जगह पे घुमाने लेके चला गया, नयान था ना बच्चा है मेरा, तो उसको वहाँ उस जगह पे, वो ईदगाह है, वो ईदगाह टाइप की है, तो वहाँ घुमाने ले गया था, वहाँ घुमाता था, तो फिर उसका कॉल हो गया तो फिर मैं वापस आ गया, इसी ट्रैक से लेके चला गया था। एम्प्टी होता था कि अभी भी एम्प्टी है, कोई ज़्यादा लोग नहीं होते, सो मोस्टली लोग आपको पता है कि कार में प्रेफर करते हैं, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी के लिए साइकिलिंग और वॉकिंग का एक अपना मत है। तो यह है, ये इन्होंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई हुई है, वो जहाज़ देखें, एयरपोर्ट है इस वजह से जहाज़ बहुत आते जाते दिखेंगे, ये जहाज़ है देखेंगे भी आ रहे हैं। तो ये सेकेंड ट्रैक है ना, इस वजह से इस जगह पे थोड़े ज़्यादा दिखेंगे। तो बस ये आगे जो है ये मुश्किल पार्क आ रहा है, तो वो जहाज सामने जा रहा, तो मुश्किल पार्क में जब मैं पहुँचता हूँ तो मैं आपको फिर वहाँ से वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा, बस थोड़ा सा रह गया मुश्किल पार्क कि देखिए वो एयरपोर्ट लैंड करा वो करके, तो मैं वहाँ पहुँच के फिर आपको फिर वहाँ से बनाता हूँ। मुश्किल पार्क के सिग्नल तक पहुँच गया हूँ, ये सिग्नल देखें कैसा ग्रीनरी है, लश ग्रीनरी। तो अब ये सामने मुश्किल पार्क में मैं इंटर हुआ ट्रैक में, दोनों साइड पे देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ग्रीन का मतलब हम जा सकते हैं, तो दिस इज़ आवर राइट व्हेन इट्स ग्रीन, बट रेड है तो नहीं जा सकते, लेकिन ट्रैफिक नहीं होता तो मैं ले लेता हूँ कभी कभी। देखें एक और जहाज़ आ रहा है, विच इज़ करेक्ट, रॉन्ग होता है अगर रेड पे लेते हैं तो रॉन्ग है, लेकिन बस कभी कभी ट्रैफिक नहीं होता तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन साइकिल में ले सकते हैं, गाड़ी में नहीं ले सकते, फ़ाइन आ जाएगा बहुत सख्त किस्म का। तो ये देखें, ये मुश्किल पार्क का एंट्रेंस आ गया, ये मुश्किल पार्क है, ये जो ट्रैक है ये मुश्किल पार्क का साइकिलिंग ट्रैक, ये क्रोकोडाइल वो है, क्रोकोडाइल क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल पार्क, अंदर क्रोकोडाइल होते हैं। अब ये देखिए कैसा ट्रैक है, फॉगी वेदर है, ज़िगज़ैग कर रहा है, तो ये बेसिकली मैंने मुश्किल पार्क तक आपको बता दिया। अब मुश्किल पार्क का मैं आपको अलग व्लॉग में बताऊँगा।